व्यूअर्स एंड लवलीज, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। मैं हूं श्रुति, जो लेकर आती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज। बट यकीन मानिए, किसी एक वीडियो के, किसी एक प्रोडक्ट रिव्यू के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब है कि वी हैव टू बाय अ प्रोडक्ट, यूज दैट प्रोडक्ट फॉर मिनिमम 15 डेज, 20 डेज, इवन अ मंथ, और कई बार दो दो महीने भी लग जाते हैं किसी एक प्रोडक्ट का प्रॉपर रिजल्ट देखने के लिए, कि उसका रिजल्ट आखिर में मिलता क्या है, ताकि आप तक जो वीडियो पहुंचे वो टोटली ऑनेस्ट और प्योर रहे, उसमें अपनी तरफ की कोई भी मिलावट ना की जाए। जिस तरह का रिजल्ट मिलता है उसी तरह से आपका शेयर किया जाता है। तो अगर आप सच में इस मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। लेकर आई हूँ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू जो आपकी स्किन को बेटर बना सकता है। नॉर्मली रूटीन में यूज करना है जस्ट टू मेक योर स्किन बेटर, बट आज हम फेशियल स्किन या हैंड की स्किन की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने पैरों की स्किन के बारे में, कि उनको किस तरह से नरम, मुलायम, सॉफ्ट बनाया जा सकता है, और अगर ऑलरेडी वो क्रैक्ड है या सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा ड्राई है, डल है, खूबसूरत नहीं है, तो उन्हें किस तरह से टोटली चेंज हम कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। दिस इज फ्रॉम वैसलीन, दिस इज न्यू वैसलीन क्रैक्ड हील रिपेयर फुट क्रीम। इस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज है, किस तरह से इन्होंने कहा है काम करता है, और क्या ये सच में काम करता है या नहीं, ये भी बात मैं शेयर करूंगी। इससे पहले मैं अपने चैनल पर दो फुट क्रीम्स का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड डेफिनेटली चेक आउट दोज वीडियोज ऑल्सो, क्योंकि वो फुट क्रीम्स भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है, होली ग्रेल कह सकते हैं, कि अभी तक मैं उन्हीं दो फुट क्रीम्स को एक्सचेंज कर करके, परचेज करके यूज करती आई हूँ फ्रॉम मेनी 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 ईयर्स। तो डेफिनेटली जैसे कि लाइफ में चेंजेस आर नेसेसरी, तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्राई ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके जो इंग्रीडियंट्स हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं अभी बताती हूँ क्यों। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, दिस गिव्स यू इंटेंस मॉइस्चराइजेशन एंड हेल्प टू रिपेयर क्रैक्ड की हील्स, बिकॉज दिस इज बैरियर रिपेयर कॉम्प्लेक्स। इसमें एक बैरियर रिपेयर कॉम्प्लेक्स है जो आपके पैरों को रिपेयर करता है, बिकॉज इट इज हैविंग वैसलीन, जेली, ग्लिसरीन एंड प्रोलिपिड्स। अब वैसलीन, जेली, ग्लिसरीन, ये सारे सबको पता होगा, मॉइस्चराइजेशन, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। ग्लिसरीन की बात करें तो अगर आप हाइलुरोनिक एसिड की कोई भी क्रीम यूज कर चुके हैं, तो जो हाइलुरोनिक एसिड में कैपेबिलिटी होती है टू होल्ड 1000 टाइम्स ऑफ द मॉइस्चर ऑफ योर स्किन, उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि हाइलुरोनिक एसिड की अगर हम एक नॉर्मल सिंपल फॉर्म की बात करें ना, तो वो है ग्लिसरीन। और अगर आपने कभी लाइफ में ग्लिसरीन यूज किया है तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि एक सिंगल यूज ऑफ ग्लिसरीन आपकी स्किन को कितना सूद आउट, स्मूथ आउट और बेटर बनाता है। तो यही रीजन है कि वो एक बैरियर बनाता है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको आपकी स्किन की जो अपर लेयर है उसमें अंदर नहीं जाने देता, एक बैरियर बना के रखता है, ताकि कोई भी जो बाहर की डर्ट, डस्ट, कुछ भी है वो उस स्किन के अंदर ना आ जाए। आपकी स्किन की जो सॉफ्टनेस है, सप्पलनेस है, वो वहीं पर मॉइस्चर जो है रिटेन रहे, बना रहे, और आपकी स्किन ड्राई, डल ना लगे। उसी तरह से आपके पैरों की स्किन के लिए भी एक काम करता है। बात आती है अब यहाँ पे प्रोलिपिड्स, जो इन्होंने कहा है प्रोलिपिड्स, व्हाट आर दे? प्रोलिपिड्स एक्चुअली हमारे स्किन का ही एक, आप कह सकते हैं, इंग्रेडिएंट है, एक पार्ट है, नेचुरल पार्ट है, जिससे हमारी स्किन बनी है। फैटी एसिड्स है जो हमारे स्किन में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें वो प्रोलिपिड्स को यूज किया है, जो आपकी स्किन के बैरियर को, मॉइस्चर को लॉक करते हैं, वहां पे एक आप कह सकते हैं एक लेयर बना देते हैं, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह जो है वो अंदर नहीं जाती, और आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो बाहर लूज आउट नहीं होता, और आपकी स्किन की जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहती है, सप्पलनेस जो है बनी रहती है। यही रीजन है कि ये क्रीम बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही जल्दी काम करती है आपके पैरों की स्किन के, आपके क्रैक्ड हील्स पर, आपके डल एंड ड्राई फीट पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, और उनको बहुत ही जल्दी मैजिकली चेंज करते हुए खूबसूरत बनाती है। आउटर पैकेजिंग में दिखा चुकी है, सिंपल कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इन व्हाइट कलर, और दे हैव मेंशन्ड ऑल द पॉसिबल डिटेल्स जो भी होती है किसी एक नॉर्मल प्रोडक्ट की। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी है इसकी 25 ग्राम्स। इंग्रेडिएंट्स जो मेन है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस्ड है, और जो कि इस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इनर पैकेजिंग की, तो इनर पैकेजिंग इसकी इस तरीके की ट्यूब है। दिस इज ऑल द डिटेल्स आर सेम, डर्मा केयर वैसलीन क्रैक्ड हील रिपेयर क्रीम, तो ये वैसी ही क्रीम है, इस तरह से ट्यूब है। जो साइजेस हैं वेरी करते हैं, इस टाइम पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ दिस इज अ स्मॉलर वन, जो मैंने पहले यूज किया दैट वाज अ बिगर वन, ये जो है दिस इज अ स्मॉलर वन जो मुझे मिला है अभी। इसकी जो क्वांटिटी है दिस इज 25 ग्राम्स। एक और बढ़िया बात इस पर्टिकुलर क्रीम की, दिस
जो ये जो क्रीम है, दिस क्रीम इज टोटली फ्रेग्रेंस फ्री। तो जिनको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम रहती है, ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। तो आप चाहे घर में है, बाहर है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फ्रेग्रेंस से, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ टोटल फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट। साथ ही साथ दिस इज हाइपो एलर्जेनिक ऑल्सो। आई एम सो सॉरी फॉर दिस फंबल। तो ये हाइपो एलर्जेनिक भी है, तो यानी कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, और सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन एंड फ्रेग्रेंस फ्री। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, एक फुल बड़ी ट्यूब यूज कर चुकी हूँ मैं। तो दिस इज माई सेकेंड ट्यूब। अब बात करते हैं पैकेजिंग, आप देख चुके हैं ट्यूब पैकेजिंग है, ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का कैप है इसका, और सिंपल व्हाइट इसकी जो बाकी बॉडी है वो है। अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। इसका जो टेक्सचर है, आप जैसे इसको अप्लाई करते हैं, ग्लिसरीन थिक टेक्सचर है इसका, बट द मेन थिंग टोटली नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी। आपने कई क्रीम्स में देखा होगा जब अप्लाई करते हैं तो वो ऐसे स्टिकी टाइप बन जाती है, आपको स्लिपरी सा फील कराती है। ये उन क्रीम्स में से है जो टोटली नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीजी है, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना, द मेन थिंग जो आप उसी टाइम नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि जो आपके जो वहाँ पे क्रैक्स होते हैं ना, वैसा लगता है कि जैसे भर गए हैं। पुराने समय में क्या कहा जाता था कि अगर आपकी जो एड़ियाँ हैं वो फटी हुई हैं तो घी लगाइए। तो जैसा घी लगाने के बाद आप अगर अपनी स्किन को टच करेंगे तो आपको ऐसा लगता है वो जो बैरियर्स हैं, वो जो क्रैक्स हैं, वो फिल अप हो गए हुए हैं, वो जो दरारें हैं वो भर चुकी हैं। एग्जैक्टली सेम फीलिंग इस पर्टिकुलर क्रीम को लगाने के बाद आती है, इन अ सिंगल यूज जब आप उसको अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जब आप टच करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वो जो क्रैक्स हैं वो इमिडिएटली भर चुके हैं। दिस इज द वंडरफुल थिंग जो आप लगाते ही फील करते हैं, एंड द इमिडिएट रिजल्ट विच इज ईजली सीन एंड नोटिसेबल ऑन योर स्किन, वो ये है कि आपकी जो पैरों की स्किन है वो एकदम से नरिश्ड और फिल्ड, और जो वो जो डलनेस है ना वो कम नजर आती है। और ऑब्वियसली जब आप इसको रेगुलर यूज करने वाले हैं तो आपकी जो हील्स क्रैक्ड हैं, डल हैं, ड्राई है, उनमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बदलाव आने वाला है। ऑल वॉट आई वॉन्ट टू से इज कि दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर डैमेज्ड क्रैक्ड हील्स, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रिपेयर योर हील्स तो ये प्रोडक्ट को सबसे पहले कंसिडर करिएगा, सबसे पहले। जी हाँ, सबसे पहले। और अगर आप बड़ी वाले साइज की, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट प्राइस ऑफ दैट बिगर साइज, अगर आप बड़े वाले साइज के लिए नहीं जाना चाहते, आप ट्राई करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो टोटली अफोर्डेबल है ये जो है 25 ग्राम्स वाली पैकेजिंग, ये आपको जस्ट ₹75 में मिलती है, इफ आई एम राइट। जी हाँ, ₹75 में आपको मिलती है 10-25 ग्राम्स ऑफ पैकेजिंग, और इजिली एक वीक तो आपके लिए चलेगी चलेगी, या फिर 10 डेज भी चल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर यूसेज कि आप कितनी बार इसको यूज करते हैं। तो ये इजिली 10 डेज तो चलेगी ही चलेगी। ट्राई करने के लिए लेना चाहते हैं छोटी पैकेजिंग को लीजिए, ₹75 में है, टोटली अफोर्डेबल, लाइट ऑन द पॉकेट, सी द डिफरेंस, सी द रिजल्ट्स, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे ना, आप डेफिनेटली खुद से बड़ी वाली पैकेजिंग के लिए जाना चाहते हैं। तो ये थी मेरी आज की मेहनत, आज का प्रोडक्ट रिव्यू, एंड आई रियली विश कि इस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद, इसको यूज करने के बाद, आपके जो रिव्यूज है वो एग्जैक्टली मुझसे मैच करेंगे, आप टोटली मुझसे सहमत रहेंगे कि जो मैं कह रही हूँ एग्जैक्टली सही कह रही हूँ, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को यूज करिए बिना तो हम रिव्यू शेयर ही नहीं करते। तो ऑब्वियसली आपको और मेरा एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, एंड बाय बाय।